दोस्तों नमस्कार। लगातार हम आपको देश दुनिया की और राज्य की न्यूज देते आ रहे हैं, लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर है मुंबई से, जहां पर मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर 3 FIR किए गए हैं। उद्धव ठाकरे को लेकर कहा था, मैं होता तो जर देता तमाचा। इस बात को लेकर के उनके ऊपर 3 FIR कर दिए गए हैं और अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ पुणे की चतुर्गंसी पुलिस स्टेशन में युवा सेना के शिकायत के बाद FIR दर्ज की गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए नारायण राणे के खिलाफ IPC की धारा 153 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने संबंधी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ठाकरे यह भूल गए थे कि देश की आज़ादी को कितने साल हुए हैं, और इसी संदर्भ में मंत्री ने यह विवादित बयान दिया। राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आज़ादी को कितने साल हुए हैं, भाषण के दौरान वह पीछे मुड़कर इस बारे में पूछताछ करते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। यही बात लेकर तुल पकड़ता हुआ विवाद दिख रहा है और उन्हें अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। अभी भी वह अपने घर पर नहीं है, आज भी उनका कहीं रैली था, इसमें निकले हुए हैं। राणे के बयान के बाद शिवसेना की तरफ से कड़ी निंदा की गई थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुंबई और कई अन्य स्थानों पर पोस्टर लगाए थे, जिसमें राणे को कोमंडी चोर, चिकन चोर बताया गया। गौरतलब है कि करीब 5 दशक पहले चेंबूर में राणे पोल्ट्री की दुकान चलाया करते थे। शिवसेना के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से सांसद विनायक राउत ने कहा कि राणे मानसिक संतुलन खो चुके हैं। राउत ने कहा, भाजपा नेतृत्व को खुश करने के लिए राणे शिवसेना और उसके नेताओं को निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मोदी को उन्हें बाहर कर देना चाहिए। पूरे घटनाक्रम पर महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक ने कहा, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री के प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, ये पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। कानून से बड़ा कोई नहीं और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। इस बात को लेकर FIR किया गया था और अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, जिसमें आज सवेरे से ही दोनों BJP के कार्यकर्ता और शिवसेना के कार्यकर्ता के बीच में बवाल बढ़ गया है। तो इसको रोकने के लिए पुलिस वहां पर जमा है, लाठीचार्ज भी किए हैं। अगर आप इस तरह का न्यूज देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।